Okay guys, let's start. Okay, so hello everyone and welcome to another episode of Success Navigation. My name is Haseeb, founder of Brankit, and at Brankit we provide supply chain services to e-commerce brands. So today this episode is quite special, and we got a great lineup from our local e-commerce community. So I have Huzaifa Ali from Shark Advertising, Arkam Chima, your own sales guy from Captains, and Tarsin is here from Seller Downtown. So we will be exploring the solutions around freelancing and agency growth. And as you know, in this fast-paced environment, like, demand is changing on each stage. Previously, it was like months where things were shifting, but now we are seeing changes in weeks. So I'm here with these guys to discuss all these challenges and opportunities that are coming down the line. So first of all, I would like to start with Huzaifa Ali here. So Huzaifa, when I jumped back to in the Amazon industry back in like 2020, there was like these common things, you know, everyone was running after launching a brand, learning launch and rank, and, you know, learning listing optimization, the word that I hate a lot, and Amazon PPC. So these are the things that most of the people were like, you know, running after. Like, here now we are in 2023. We have a lot of audience, you can say a lot of freelancers that are, you know, jumping still after those same skill sets, but they don't exactly know, you know, how to succeed in that niche. So I would like you to, you know, go from basics to advanced level a little bit and just explain it with a little bit of a timeline that will be required to, you know, master this skill and how you can build like realistic expectations around that. So Huzaifa, the stage is all yours. You can start from here. अच्छा जनरली ऐसे भी होता था कि व्हेन पीपल वुड जनरली स्टार्ट विद एनी स्किल, ठीक है, दे वुड मोस्टली गो अराउंड एंड दे वुड क्या करते थे कि फॉर एग्जांपल जब फेसबुक एड्स वगैरह आया, इट वाज स्टिल इन इट्स इन्फेंसी, लोगों ने फेसबुक एड्स पकड़े और फेसबुक एड्स के अंदर देर ऑफरिंग फेसबुक एड सर्विसेज. ईमेल मार्केटिंग की शुरू में इट कॉट फायर, लोगों ने ईमेल मार्केटिंग पकड़ी, देर नाउ ईमेल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स. होता ही है कि व्हेन एन इंडस्ट्री ग्रोज तो जनरली यू हैव टू इवेंचुअली निश डाउन बिकॉज नाउ दैट इंडस्ट्री इज गेटिंग सो बिग कि आप उसके अंदर एक जर्नलिस्ट नहीं जा सकते. अमेजोन पीएल आया तो अमेजोन पीएल एक्सपर्ट्स चलते थे. एज द इंडस्ट्री ग्रो तो आपको फिर पीपीसी करनी पड़ी, आपको लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन एक्सपर्ट्स बनना पड़ा, आपको सप्लाई चेन एक्सपर्ट्स बनना पड़ा. तो आई थिंक अमेजोन एडवर्टाइजिंग इटसेल्फ इज नाउ एंटरिंग दैट ट्रांजिशन, जिसमें मैंने अभी कुछ टाइम पहले पोस्ट भी की थी कि इवेंचुअली अगर आप कह रहे हैं कि हम अमेजोन पीपीसी एक्सपर्ट्स हैं, यू आर इवेंचुअली गोइंग टू हैव टू फेस सम सॉर्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सिंपली फॉलोइंग दैट अप्रोच. अब मैं इसकी आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है. वो तो बेसिक्स तो चले, अगर किसी ने स्टार्ट करें वो फ्रीडम टिकट देख लेगा, वो कोई माय अमेज़न गाइड का कोर्स कर लेगा, ये फलां कुछ भी कर लेगा, एंड दे कैन बिगिन विद दैट, ठीक है, अगर आप कहते हैं कि वो चीज़ जनरली. अब ये कि अगर आप इस पॉइंट पर स्टार्ट कर रहे हैं ना, द इंडस्ट्री इज ऑलरेडी मेच्योरिंग सो मच एंड इट्स ऑलरेडी एंटरिंग दैट पार्ट ऑफ इट्स लाइफ साइकिल कि इट्स वेरी हार्ड टू गो इन एंड एक्सपेक्ट कि अब आप आएंगे और आप विद इन नो टाइम एक जो है एजेंसी बहुत ज्यादा बिल्ड करनी. फ्रॉम इवन अ फाइनेंशियल परस्पेक्टिव आप आएंगे, अगर आप एक सस्टेनेबल एजेंसी बिल्ड करनी है, पहले कुछ दो तीन महीने तो आपको मिनिमम टीम ट्रेन करनी पड़ेगी, शुरू में क्लाइंट्स आपको वापस एक फ्लो में आना पड़ेगा. अगर आप ऑलरेडी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो आपको फिर भी एक टाइम मैनेजमेंट की तो हिट लगेगी आपको कि आपको ऑब्वियसली यू हैव टू ट्रेन अ टीम. अब वो कर लेंगे फिर आपको 6 से 10 महीने के एटलीस्ट कैश रिजर्व रखने, अगर आपको सस्टेनेबली बिजनेस रन करना है, यू वॉन्ट टू हैव फाइनेंशियल रिजर्व, तो वो जो आप 6 से 10 महीने का पैसा यूज ही नहीं कर सकते, तो उससे बेहतर है कि फिर आप अगर अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो जस्ट गो इन एज एन इंडिविजुअल हंटर. आप अंदर डू नॉट ट्राई टू बिल्ड एन एजेंसी अनलेस आप ऑलरेडी एक मिनी एजेंसी बिल्ड कर चुके हैं, $3,000-$5,000 रेवेन्यू पे आप हैं, फिर आप देखें कि आपकी क्या अप्रोच है. अच्छा, अब कुछ चीज़ें क्या हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप एक बंदा कहता है कि उसको लेट्स टॉक अबाउट अमेज़न पीपीसी, ठीक है. कोई बंदा कहता है कि मुझे अब अमेज़न पीपीसी में आना है, ठीक है. लेट्स टोटली नैरो डाउन. एक बंदा कहता है, वो कहता है मुझे अब स्टार्ट करना है एंड आई वांट टू स्टार्ट विद अमेज़न पीपीसी और मुझे सर्वाइव करना है, जिधर भी मार्केट जाती है मुझे पैसा बनाना है. अब द थिंग इज कि दिस अमेज़न पीपीसी इंडस्ट्री इज गेटिंग ओवरली सैचुरेटेड विद अ लॉट ऑफ पीपीसी मैनेजर्स. अब आप अगर किसी लोकल एजेंसी में काम करने जाते हैं, लोकल एजेंसी की तो भी आई बिलीव उतनी मेच्योर हुई ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर, ये वाली जो मार्केट है, कुछ एजेंसीज हैं जो सर्वाइव करेंगी लंबा टाइम अमेज़न पीपीसी के अंदर, वरना बाकी एक्सटर्नल ट्रैफिक का मंजन बेचने लग जाएंगे, कोई इस साइड पे जाने लग जाएगा, वाइल अमेज़न पीपीसी विल स्टिल बी रेलेवेंट. ये साल पहले से शुरू हो गया, ठीक है ना. पिछले साल तो सीपीसी को इतने उठे भी नहीं, डाटा भी अब यही आ रहा है, और 2023 में भी मुझे नहीं नजर आ रहा कि सीपीसी भी बहुत ऊपर जाएंगे, पर आपको एक्सटर्नल ट्रैफिक मंजन वाले लोग नजर आएंगे. गूगल कीप्स सेइंग कि बस अमेज़न पीपीसी एंड हो गया.
जो लोग जो कुछ एजेंसी सर्वाइव करेंगी दे विल मेच्योर, आपको पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी इवेंचुअली। अभी पाकिस्तान के अंदर आपको एज एन अमेज़न पीपीसी मैनेजर आपको अभी भी कहीं ना कहीं मौके मिलेंगी। लेकिन अगर आप कहते हैं कि आपको चले ठीक है यू वांट टू हंट फॉर अ बिगर, अगर आपको एक बड़ी मार्केट को टैप करना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप ईमेल मार्केटिंग में जाते थे तो आप शुरू में ईमेल मार्केटिंग एक्सपर्ट थे, अब आज अगर कोई एंटर करेगा दे विल हैव टू बी एन ईमेल मार्केटिंग एक्सपर्ट फॉर शेफ्स, आपको इस तरह एक निश डाउन करना पड़ेगा। सो नीश डाउन यू अंडरस्टैंड ए शेफ्स की एक ऑडियंस क्या होती है, देन यू आर ऑफरिंग दैट सर्विस टू अ लॉट ऑफ शेफ्स, या आप पर्सनल ट्रेनिंग और ये इस तरह की चीज़ों में अभी निश्चित बहुत ज्यादा आजकल हॉट चल रही है, ठीक है, जिम ट्रेनर्स ने और पता नहीं फिटनेस कोचेज वगैरह, दिस इंडस्ट्री इज ऑन इट्स राइज, इस तरह की चीजें होती है। अब जो इस टाइम चल रहा है, आप फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि आपको आपको एक फॉरेन एजेंसी है, बड़ा अच्छा नाम है एजेंसी का, और आपको उसके अंदर जाना है, आपने एक जनरल साइकिल फॉलो किया, आपने 1 से 3 महीने लर्निंग की, 2 महीने आपने प्रॉपर 2-3 कोर्सेज किए, आपने थोड़ा नॉलेज को जो है ना कहते हैं ना डिफरेंट एंगल्स दिए उसके ऊपर, 3रा महीना आपने फिर उसको रिवाइज किया ताकि वो सॉलिडिफाई हो, 3रा महीना आई वुड सजेस्ट कि आप क्या करें कि यू स्टार्ट लिस्टिंग डाउन लोकल एजेंसीज, लोकल या फॉरेन अगर आपको है, एंड स्टार्ट डूइंग आउटरीच। आउटरीच ये नहीं कि आपने कोई उनको पता नहीं कोई प्रॉपर ईमेल मार्केटिंग के मैच लानी है, जस्ट स्टार्ट रीचिंग आउट टू पीपल इन दोस एजेंसीज, रिलेशनशिप बिल्डिंग पे इन्वेस्ट करें, एंड ट्राई टू लैंड एन इंटर्नशिप देयर। फोर्थ टू सिक्स मंथ यू विल ट्राई कि आप उस उन 3 महीनों के अंदर आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले रहे हैं टू वट एवर लेवल यू कैन। आपने वो एक ले लिया अमेज़न एडवर्टाइजिंग है, यू लाइक ठीक है मुझे एक बेसिक समझ आ गई है प्रैक्टिकली चीज़ें कैसे चलती हैं। अब अगर अगर आप एक्सपेक्ट करें कि जो लोग डेढ़ डेढ़ दो दो साल से लगे हैं आप आएंगे और इन नो टाइम यू विल बिकम बेटर देन देम एट बीइंग अ पीपीसी मैनेजर, दैट इज अ स्लाइटली अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। आपने गैप्स कितनी, अब मैं आपको गैप्स बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आप अगर किसी फॉरेन एजेंसी के अंदर जा रहे हैं, आई नो दिस गर्ल फ्रॉम पाकिस्तान जो काफी बड़ी एजेंसी के अंदर, शी इज इन द ऑडिट डिपार्टमेंट, ठीक है। अब कुछ डिपार्टमेंट से फॉर एग्जांपल आपको बाहर जॉब करनी, जहाँ पे आप कहें कि यू कैन गो इन यू कैन डिफरेंशिएट, और वहाँ पे कोई आपके कॉम्पिटिशन में बहुत ज्यादा वो नहीं आएंगे, एंड यू परफेक्टली spend and invest time on understanding ki ye role kya hai, uske andar wo kis tarah ki cheeze karte hain, you talk to people from the industry, and then you make sure that your application and the way you reach out to them and the way you exactly enter that job exactly aligns with their requirement. ab main aapko kuch example deta hu, theek hai, for example aap kya karte hain ki aap kisi badi agency ke audit department ke andar chale jate hain, theek hai, aap ek audit department ke andar chale gaye, that is a very very different way to go about amazon ppc, aur badi agencies ke proper तगड़े ऑडिट डिपार्टमेंट्स होते हैं। आप पाकिस्तान के अंदर कहते हैं, आप कहते हैं चलो ठीक है मुझे ऑनलाइन मार्केटिंग वर्ल्ड में जाना है, ठीक है, आप फिर कोल्ड आउटरीच, आप बिजनेस डेवलपमेंट के अंदर तगड़े बने, और आप पाकिस्तानी एजेंसी को भेजा के, बिकॉज पाकिस्तानी एजेंसीज का मसला क्या है, उनके पास बिजनेस डेवलपमेंट का मसला लीड नहीं आती, सिवाय कुछ लोगों के जिनके पर्सनल ब्रांड बन गए, बाकियों को वही मसला चलता रहता है कि क्लाइंट कहाँ से लाए, लोकल बंदा आ रहा है, ओवरसीज नहीं आ रहा, ओवरसीज आ रहा है तो बड़ा ब्रांड कंसिस्टेंट नहीं आता। आप बिजनेस डेवलपमेंट एक्सपर्ट बने, फिगर आउट कि अच्छा मुझे अब समझ आ गई है, बैक एंड पे अगर मैं ये ऑडिट ईमेल में भेजता हूँ या मैं ये 4 लाइनें लिखता हूँ, इतना एनालाइज करके मैं दिन के 4 लीड्स निकाल के इतना एनालिसिस में कर सकता हूँ, आप जाए लोकल एजेंसी को बोले कि मैं बिजनेस डेवलपमेंट में आपके साथ हूँ, आपको लीड्स कमी नहीं होगी, एंड हैव अ पार्टनरशिप विद 10-11-12 एजेंसीज ताकि उनको भी आप जिंदा रखेंगे, आपका भी काम चलता रहेगा, एंड इवेंचुअली यू विल बी एबल टू मेक गुड मनी आउट ऑफ दिस इकोसिस्टम फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। तो इस तरह की मल्टीपल चीजें, फिर एक फॉर एग्जांपल अब आरएनडी डिपार्टमेंट्स हैं, दे आर कैचिंग फायर, पाकिस्तान के अंदर भी अभी उस तरह से तो मैच्योर नहीं हुआ, अभी इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आरएनडी वाले थोड़ा सा वो फ्लो चले, बाकियों को भी सेंस ऑफ कंपटीशन आए, सारे कहें यार आरएनडी में इन्वेस्ट करना है, लेकिन बाहर एस्टैब्लिश आरएनडी डिपार्टमेंट्स आपके बने हुए हैं, बिल्कुल, अब वहाँ पे थोड़ा सा इट गेट्स अ बिट टू टेक्निकल, आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते आप 3 से 6 महीने में आप जाके उनके आरएनडी डिपार्टमेंट में घुस देंगे, बिकॉज दे आर यूजुअली वेरी कंपेरेटिव। पर अ बेसिक वे टू गेट इन इज कि आप ऑडिट डिपार्टमेंट में जाएं, यू मेक श्योर कि योर ऑडिट्स कीप गेटिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर, यू वहां पे रहते हुए यू अंडरस्टैंडिंग, यू गेट एक्सेस टू दोस एआई टूल्स दैट दैट एजेंसी इज यूजिंग, यू स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड। आई वुड लाइक टू ऐड वन पॉइंट हियर, सो जैसे लिंक्डइन पे जॉब पोस्ट आ रही है, अब आपके पास बेसिक लेवल की जॉब पोस्ट है, एडवांस लेवल की है, आप उसकी जॉब अगर डिस्क्रिप्शन एक तरह से स्टडी कर लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं और आपको क्या चीज डेवलप करनी है। तो मेरे ख्याल से ये एक स्टार्टिंग स्टेप होगा कि आपने कहाँ पे, बिल्कुल ऐसी बिल्कुल ऐसी। और उसके अलावा आई थिंक सम टाइम्स कहते हैं ना योर फर्स्ट जॉब इज नॉट योर लास्ट जॉब, आप कई लोग कंपनी में जाते हैं किसी और रोल में और वन किसी और रोल में जाते हैं, गो इन अंडरस्टैंड वो रोल क्या है, ठीक है, आप मैं अब आपको आप समझ भी लें कि अच्छा इस एजेंसी को जो आर एन डी डिपार्टमेंट में बंदा चाहिए उनको परपेचुआ बहुत अच्छी आनी चाहिए, क्वार्टाइल बहुत अच्छी आनी चाहिए, क्वार्टाइल आप वीडियोस से नहीं सीख सकते या डीएस के वीडियो से नहीं सीख सकते, बट वंस यू एंटर दैट एजेंसी यू गेट एक्सेस टू दीस थिंग्स टू अदर एम्प्लॉयज टू अदर टीम मेंबर्स एंड यू कैन देन इन्वेस्ट इन योरसेल्फ और वो आपकी ऑन जॉब लर्निंग एक अलग है। तो आई वुड से कि अगर किसी ने अभी
स्टार्ट कर रही हैं तो गो अराउंड दिस रूट, डोंट ट्राई टू बिल्ड एन एजेंसी. दिस पीपल हु गॉट इनटू एजेंसीज, जिन्होंने बाहर की एजेंसी में, दे मेक रियली गुड मनी, समटाइम्स इवन बेटर देन एजेंसी ओनर. एजेंसी अगर आपकी ऑलरेडी एक दो तीन चार पाँच हज़ार डॉलर के उस पर चल रही है रेवेन्यू मार्क पे, तो फिर आप इन्वेस्ट करें अपनी ट्रेनिंग के ऊपर और अपनी बिजनेस डेवलपमेंट के ऊपर. बिजनेस डेवलपमेंट पे खुद नहीं कर सकते तो कोई बंदा ढूंढ लें जो बिजनेस डेवलपमेंट में बहुत तगड़ा हो, उसके साथ कोई ना कोई कोलैबोरेशन पार्टनरशिप कर लें. और मसला ये कि हमारी ना एजेंसीज का एक इशू है जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, लोग उन्हें सीख लिया सब आगे, दे वेस्ट टाइम ऑन प्रोजेक्ट्स. अब एक प्रोजेक्ट आ रहा है, आपको नजर आ रहा है इस बंदे ने बस इन्वेंट्री लिक्विडेट करनी है, ये दो महीने के लिए आया है, आप उसके ऊपर जान मारेंगे 300, आपको मैं तो कहता हूँ $1,000 भी देता था वो प्रोजेक्ट मत पकड़े. क्यों? वो दो महीने आपका पैसा आएगा एंड देन यू बैक ठीक है, आप उधर ही आ गए. तो आई वुड से कि उससे बेहतर तरीका ये है कि आप एक प्रोजेक्ट जिनका आपको पता है कि रिटेंशन वैल्यू बहुत हाई है. मेरे पास प्रोजेक्ट आते हैं, मैं सीधा देखता हूँ ये साल बाद क्लाइंट होगा या नहीं होगा. मेरे पास कई लोग, मतलब अभी मैंने पोस्ट भी की जिस पे कह रहे थे कि मतलब यू हैवंट, मतलब क्या कहते हैं, टेकन द प्रोजेक्ट. उसकी रीज़न ये है, ऐसी प्रोजेक्ट मुझे नज़र आते हैं यार, इनकी मैं हेल्प कर भी दूंगा, पर एट द एंड ऑफ द डे आई एम नॉट रनिंग अ चैरिटी, आई हैव टू लुक एट अ बिजनेस कि ये मल्टीपल एसकेयूज हैं. फॉर एग्जांपल तो हायर चांस है, अगर एक बिजनेस है इट इज़ ऑलरेडी डूइंग सम लेवल ऑफ प्रॉफिट, वो इंप्रूव करना चाह रहे हैं. जनरली इंप्रूवमेंट सिनेरियोज होते हैं ना, इंप्रूवमेंट केस स्टडीज, ये आपके साथ रहते हैं जो आते हैं ना सर्वाइवल आखिरी सांसों में लगे हैं, ये आपकी ये तो एक ओवरऑल एक समरी टाइप हो गई पूरे पॉडकास्ट की. और अब थोड़ा सा इसमें डीपर डिग डाउन करते हैं. तो अरकम, मैं थोड़ा आपसे कंटिन्यू करना चाहूँगा यहाँ पे. जैसे उजैफा ने बात की कि हमने एक अर्ली स्टेज नॉलेज एक्वायर कर ली एक स्किल की ना, उसके बाद जो चीज़ बहुत जिस पे काफ़ी लोग ध्यान नहीं दे रहे वो है पर्सनल ब्रांडिंग. हम एक खास लेवल पे एक्सपर्टीज जाकर लेते हैं, मतलब काफ़ी हाई लेवल पे जाके, और फिर हम फोकस करते हैं कि अब यार पर्सनल ब्रांडिंग स्टार्ट करनी चाहिए. तो आई वुड लाइक टू नो कि किस स्टेज पे वो पर्सनल ब्रांडिंग का स्टेप हमें स्टार्ट कर लेना चाहिए और किस तरह से उसको अप्रोच करना चाहिए स्टार्ट से. ये इसमें तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आइडेंटिफाई कर लो कि पर्सनल ब्रांडिंग करनी किसने है. या तो उस बंदे ने करनी है जो कि मार्केटर है या बिजनेस डेवलपमेंट में, या तो उसने करनी है या जो पीपीसी मैनेजर या बिजनेस या ब्रांड मैनेजर जो भी है उसका रोल. ठीक है, क्योंकि एक टाइम पे दो चीज़ें हो नहीं सकती. अब जैसे हुजैफा ने लास्ट कहा है कि उस क्लाइंट की तरफ जाओ जिसकी रिटेंशन है, उसकी तरफ ना जाओ जो कि आप जिस पे जान मारो. अब उस पे जान मारने का नुकसान ये है कि यहाँ मोस्टली जो लोग जिनको बिजनेस कंसिस्टेंसी नहीं है वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो एक के ऊपर जान मार देते हैं. उस जान मारने के प्रोसेस के दौरान वो अपनी जो एक्विजिशन होती है वो बंद हो जाती है उनकी. ठीक है, सेम गोल्स फॉर हेयर एज वेल. ठीक है, अगर आपने वैल्यूएट करना है, आप कहते हो कि यार मेरे पास स्किल सेट है, आई कैन हायर समबडी हु कैन राइट पोस्ट ऑन माई बिहाफ. ठीक है, फिर आप अपने मिड जर्नी से स्टार्ट कर दो. लेट्स से इफ यू हैव लाइक मॉडरेट नॉलेज, स्टार्ट कर दो. ठीक है, बट यू हैव टू मेक श्योर यू आर पोर्ट्रेइंग दैट मॉडरेट नॉलेज इन अ रियली गुड वे. ठीक है, जैसे जब मैंने कॉपी राइटिंग स्टार्ट की थी इसी के ज़माने में, ठीक है, तब मैं खुद अपने इनिशियल स्टेज पे था, लेकिन मेरी लर्निंग इतनी अग्रेसिव थी, इतनी ज़्यादा चीज़ें थी कि लोगों को लगता था पता नहीं अलहदा ही कौन से जान छूट के आ गया हुआ है. ठीक है, क्योंकि मैं एक टाइम पे तीन तीन चार चार बुक स्टडी कर रहा हूँ, जितने टॉप कॉपी राइटर हैं उनके पॉडकास्ट देख रहा हूँ, वेबिनार देख रहा हूँ, हर चीज़ देख रहा हूँ, और वो कौन सी चीज़ें जो कि प्रूवन ऑलरेडी मार्केट में चल रही है. ठीक है, अब मेरे पास एक स्किल सेट ये है कि आई कैन लाइक एड सिनेरियोस, आई एम गुड एट स्टोरी टेलिंग. ठीक है, आई कैन एड सिनेरियोस टू माय ओन शिट. ठीक है, तो ये सिनेरियो है. अब आपको देखना पड़ेगा हाँ आपकी चीज़ें चल रही हैं कि नहीं चल रही. दूसरी चीज़ ये है कि आपको मीडियम से एक्सपर्ट पे आते टाइम लगेगा. ठीक है, और आपको वही टाइम आपको ब्रांडिंग में भी लगेगा. ठीक है, अब आप देख रहे हो कि आई एम वर्किंग ऑन ब्रांडिंग फॉर लाइक ऑन लिंक्डइन फॉर ओवर मे बी 7-8 months. ठीक है, अभी वो इतना कोई मैसिव रिजल्ट नहीं है, मैं कहूँगा हाँ भाई क्या बात है, इसी में तो मजा सारा. ठीक है, वो सिनेरियो लेंगे, लेकिन मुझे पता है कि एक ब्रांड की विजिबिलिटी या फिर जो भी क्रेडिबिलिटी बनती है उसको टाइम लगता है. हाँ, अनलेस आप एक छोटी कम्युनिटी का पार्ट हो, लेट्स से हीलियम 10 ने कोई कम्युनिटी लॉन्च कर दी, आप उस कम्युनिटी का बहुत एक स्ट्रॉन्ग पार्ट हो. ठीक है, आप लोग आपके कमेंट के बगैर एक एक्शन ही लेते. ठीक है, इस सिनेरियो के अंदर आपके पास बिजनेस बहुत ज्यादा आएगा. लेकिन जब आप कम्युनिटी बना लेते हो, या तो एक शार्क की कम्युनिटी में आ जाते फिर भी हो सकता है. ठीक है, लेकिन अगर
एक चीज मैं बस ऐड करना चाहूंगा, एक काम जो आपने जो थोड़ा यूनिक मुझे लगता है, आपने पाकिस्तानी ऑडियंस को यूज किया है एज योर यू कैन से बाय लैंडिंग ऑन ऑन योर कंटेंट टू इंक्रीज द एंगेजमेंट एंड रीच, एंड एट द सेम टाइम यू आर एंगेजिंग विद द इंटरनेशनल ऑडियंस. सो हाउ यू आर क्रिएटिंग दैट बैलेंस एंड लाइक व्हाट इज द सीक्रेट सॉस बिहाइंड दैट? ठीक है. अच्छा, इसमें ये है कि यार मैंने काफी ज्यादा फॉरेनर से ना बात की, जब मैं उनको रीच आउट करता था पॉडकास्ट करने के लिए चीजों के लिए, जिससे जिससे मैं इस मैसेज करता, सबसे पहले उसका मेजोरिटी का मैसेज ये रहता था, आई लव योर कंटेंट, आई लव योर पॉडकास्ट, दिस एंड दैट. आज तक उनमें से कभी किसी ने कमेंट नहीं किया, ठीक है, कभी लाइक भी बेयरली किसी किसी ने किया होगा, ठीक है. अब तब मुझे उस, अब मैंने कुछ लोगों से फॉरनर से डिस्कस किया, मैंने कहा व्हाट इज द रीजन, उनका यही सिनेरियो था कि दे डिड नॉट लाइक टू इंटरेक्ट विद अस, ठीक है. तो अब लेकिन ये मुझे समझ आ गई थी कि हाँ वो देख रहे हैं बट दे डू नॉट वॉन्ट टू ट्रैक, क्योंकि उनको पता है कि उनके इंट्रैक्शन से वी विल गेट द बिजनेस, ठीक है. तो अब ये सिनेरियो था. अब मुझे ये है कि अब हमारे पास इंगेजमेंट है और गौरव के पास इंगेजमेंट नहीं है, ठीक है. नाउ आई एम यूटिलाइजिंग पाकिस्तानी ऑडियंस एज माई इंगेजमेंट, ठीक है. और वो अब जिससे मैंने पॉडकास्ट करना होता है या फिर जिससे मैंने कोई दूसरी सिनेरियो करने का या फिर किसी को बिजनेस दिखाना होता है कि यार आई हैव दिस मच अथॉरिटी, और जब वो देखते हैं वो कहते हैं कि यार हाँ इतनी ज्यादा इंगेजमेंट है, पोस्ट पे इंट्रैक्शन है, दो दो तीन तीन हजार एक पॉडकास्ट पे व्यू है, तो वो इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है. मुझे इस चीज से कंसर्न नहीं है कि फॉरनर्स आके मेरे पॉडकास्ट पे कमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, लाइक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, किसी पोस्ट पे कमेंट करने के नहीं कर रहे. मेन कंसर्न क्या है, बिजनेस एक्विजिशन, ठीक है, कि लोग आके कांटेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ओनली दैट थिंग मैटर्स, ठीक है. हाँ, इसमें मैं भी क्योंकि एक चीज ऐड करना चाहूंगा, मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया, लाइक दिस इज लाइक सिक्स्थ एपिसोड, बट आई हैव कन्वर्टेड वन क्लाइंट फ्रॉम, यू कैन से फ्रॉम, आई वुड नॉट कोट द नंबर, बट I was just showing him one part that I am doing listing optimization to this tool, and I had a podcast with their CEO, and it was that simple to convert him from one skill set that we were doing with them, and like he gave us the whole control of another department. So this is, you know, this is the way we can leverage from client, and at sometimes engagement doesn't matter, you just have to build the right content, create value, and take it from there. जो मैसेज वाली पावर हमारे पास है ना वो बाहर नहीं है, ठीक है, वो बाहर नहीं है. आप और कुछ नहीं ना, मैं आई नो दिस गाय जो हु इज इन वन ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट एफपीए नेटवर्क्स, आई वुडंट ऑब्वियसली एग्जैक्टली नेम, एंड ही हैज बीन सो स्मार्ट अबाउट थिंग्स बिकॉज नाउ ही इज देयर ट्रस्टवर्दी सोर्स फॉर हायरिंग फ्रॉम पाकिस्तान. तो आपकी वो एक्सेस है, इफ यू आर एबल टू इवन बिल्ड दैट सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द एचआर डिपार्टमेंट ना, आप इतने इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एजेंसी बन जाते हो, आपका काम भी नीचे होगा ना, वो आपको फायर नहीं कर सकते. इट्स दैट हार्ड बिकॉज़ आप उनके लिए रिसोर्स है पाकिस्तान से, आप हायर कर रहे हो. और ये जो भी इंगेजमेंट वाली बात है, मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अब काफी सारे, मतलब मैं देखता हूँ अमेज़न पीबीसी वगैरह के अंदर क्या कहते हैं, उन्होंने हमसे बाद में भी स्टार्ट किया, और मैं देखता हूँ उनकी इंगेजमेंट में, देखता हूँ मैं, कहता हूँ यार इनके तो अच्छे खासे फॉलोअर, मतलब ये तो मुझे याद है, दे यूज्ड टू आस्क बेसिक क्वेश्चंस, मतलब 6-7-8 महीने पहले, नाउ दे हैव सो मेनी गुड फॉलोअर्स, सो यू कैन इवन लेवरेज दैट. अभी जिसने अरकम कर रहा है या आप कर रहे हो, तो आई एम नॉट श्योर अगर आप लोगों को ऑफर आई नहीं है, लेकिन बाहर के काफी सारे जो गुरुज हैं, दे आर ऑल्सो डेस्परेट टू इन्वेस्ट इन अ ट्रेनिंग प्रोग्राम. मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, और मुझे नहीं पता शायद आप लोग किस रहे हो, लेकिन द अमाउंट ऑफ ऑफर्स आई हैव गॉट इन द लास्ट 6-7 months, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान में कोर्स लॉन्च करते हैं, यू बिकम अवर एम्बेसडर, कि यू आपकी वहाँ एक्सेस बेहतर है. पर ये वाली चीज है कि इट्स जस्ट एन एग्जांपल टू शो कि देयर सो मच दैट यू कैन लेवरेज बाय बीइंग अ पाकिस्तानी. इंस्टेड ऑफ वो कहते हैं ना एक पिटी पार्टी अब करते हैं कि मैं पाकिस्तान से हूँ, मुझे मेरी अरकम किस बारे में बात होती रहती है, वी डू फेस डिस्क्रिमिनेशन, इट्स वेरी ऑब्वियस, मतलब मैं एक दो बड़े ग्रुप्स में से बगैर कुछ किए फिर इस बात पर कि मेरे कवर में मेरी एजेंसी की पिक्चर थी, मुझे निकाला भी हुआ है, तो सिर्फ इसलिए कि मेरी पिक्चर इस कवर फोटो में मेरी एजेंसी का लोगो था. तो इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन आती हैं. आई हैव लिटरली मेड पोस्ट इनका मुझे एग्जैक्टली पता है कि इस बंदे ने जाके रिपोर्ट कराई है, पीछे से इनसाइडर इन्फॉर्मेशन निकल आई है. तो ये चीजें होती हैं, बट देयर वेज दैट वी कैन लेवरेज अवर एंगेजमेंट जो बाकी लोग नहीं कर सकते. तो एग्जैक्टली द पर्सन ब्रांडिंग नॉट नेसेसरली कि आप, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मेरा एक अगर आप शुरू कर रहे हैं ना, आप रोज कोई भी लर्निंग करते हैं आप उसको जाके कर रहे हैं. अब मैं क्या करता हूं, मैंने एक नोट्स में एक चीज रखी हुई है, मुझे फॉर एग्जांपल समवन रीचेस आउट टू मी ऑन मैसेंजर या व्हाट्सएप एंड दे आस्क मी फॉर एडवाइस. अब मेरा ये होता है कि मेरे ऐसे बैठे बैठे दिन में ख्याल नहीं आता, कोई पूछता तो वो दिन में आ जाता है. आई राइट दैट डाउन इन अ नोट, पॉइंटर्स लिख देता हूँ, अच्छा इस पे पोस्ट कर दूंगा बस. अगले को मैंने बताया कि आपने ये करना है, फलां करना है, नहीं आप $300 का प्रोजेक्ट इसलिए ना पकड़े, आप प्राइसिंग यूं करें यूं ना करें, बस अब अगले हफ्ते उस पर पोस्ट आ जाएगी. तो इस तरह आप रोज आपके आपसे कोई गलती भी होती है, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई क्लाइंट आया और आपसे $6,000 का लॉस हो गया उसका, वो भी जाके पोस्ट कर दें,
ट्रस्ट मी, जितनी फेकनेस ऑन सोशल मीडिया, सम लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी गोज अ वेरी 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 लॉन्ग वे. ठीक है, अभी मैं फॉर एग्जांपल अभी चले बस ठीक है वो फिर बात लंबी हो जाएगी, बट थोड़ी सी भी ट्रांसपेरेंसी, यू मेक अ स्मॉल मिस्टेक, इवन गो डॉक्यूमेंट दैट, डॉक्यूमेंट इट पब्लिकली, और आप देखिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा कंटेंट, बस डॉक्यूमेंट करें जर्नी अपनी, करते जाएं आज ये हुआ फलां ये हुआ, और सिर्फ ये नहीं स्क्रीनशॉट क्लाइंट गिव मेक स्पेसिफिक कमेंट्स अबाउट व्हाट यू डिड रॉन्ग, छोटी मोटी चीजें करते ना आपका वैसे ही पर्सनल ब्रांड बन जाएगा. सही, इसमें ये है कि स्टार्ट में आपने एंगेजमेंट को नहीं देखना, यू जस्ट हैव टू स्टार्ट पोस्टिंग योर जर्नी एंड ऐड द वैल्यू. एग्जैक्टली, अब लोगों को लग रहा है कि पॉडकास्ट करने से बहुत ज्यादा बिजनेस आता है. ठीक है, तो ऐसा सीन बिल्कुल है नहीं है. ठीक है, पॉडकास्ट में अगर आप जैसे एक है ऑरेंज क्लिक है, और आपको क्या लगता है कि आप ऑरेंज क्लिक के पास जाके सर्विस बाय करोगे उनकी, अगर वो सर्विस बेच रहे हैं? कभी भी नहीं करोगे, क्योंकि ऑरेंज क्लिक क्या कर रहा है, ऑरेंज क्लिक दूसरे गुरुज को यहाँ पर मेंटर्स को लेके आ रहा है, उनका नॉलेज शेयर कर रहा है. सेम गोज फॉर इन आवर केस एज वेल, अगर हम किसी फॉरनर को देख रहे हैं उनकी अथॉरिटी जनरेट हो रही है, हमारी नहीं हो रही. हाँ, हमारी इस सेंस में अथॉरिटी जनरेट होती है, जैसे आप कहते हो कि आप जोन गुरु के सीईओ को ले आए हो, आपके नेक्टर के सीईओ को ले आए, इस तरह किसी कंपनी के सीईओ को ले आए, हाँ आप उसको एज अपना पोर्टफोलियो यूटिलाइज कर सकते हो. आई हैव वर्क विद दीस गाइस, आई हैव टॉक टू दीस गाइस, देखो उसके और मेरे जो है हालात वो सेम है. ठीक है, आप उस तरह यूटिलाइज कर सकते हो. तो लोगों को लगता है कि मे बी शायद पॉडकास्ट डायरेक्ट करने से कोई फायदा होता है. इसमें वही है कि इसमें वही सिनेरियो कि आपका गोल कोई और है और आप चीज किसी और को यूटिलाइज कर रहे हो उसको अचीव करने के लिए. एग्जैक्टली, क्योंकि इससे ये इम्प्रेशन जो मेरे क्लाइंट ने मुझे वो डिपार्टमेंट इसलिए ट्रांसफर किया बिकॉज ही केम अंडर एन इम्प्रेशन दैट आई एम गेटिंग एडवांस नॉलेज डायरेक्टली फ्रॉम द टूल ऑनर्स, आई कैन से द फाउंडर्स ऑफ द कंपनीज. सो उसके पास ये परसेप्शन चला गया कि भाई मेरी जो नॉलेज है वो बहुत रिसेंटली अपडेट हो रही है मेरे कॉन्टेंट के थ्रू. सो तहसीन की बारी ले आते हैं अभी, तहसीन काफ़ी देर से खामोश बैठा हुआ. तो तहसीन, आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद अ लिटिल बिट ऑफ व्हाट वी डिस्कस प्रीवियसली व्हेन वी मीट. सो यू स्टार्टेड विद ग्राफिक्स डिजाइनिंग, राइट? एंड देन यू शिफ्टेड टू अमेज़न पीपीसी एंड यू लीक सम इंफॉर्मेशन ग्रुप्स एज वेल. लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट. अभी भी तहसीन करते नहीं आप ग्राफिक डिजाइनिंग? We have a good graphic design department, and that is currently being managed by another person. Yeah, but coming to the point, there is like some other offering that you are running as your main source for your agency. I would like to know some depth and details about that. Right. So basically, मेरा जो personal perspective है ना, वो ये है, and this might not be very popular, but जो सब कर रहे होते हैं ना, उसमें हमेशा इंसान जरूरी होता है. That is my observation in the world. तो सारा में जब फ्रीलांस की तब सब नहीं कर रहे थे, तब सनी भाई आ रहे थे अभी. ठीक है ना, just letting the perspective setting. तब सनी भाई भी पहले कर रहे थे सेमिनार इस्लामाबाद में, as I remember. लेकिन जब आप वो काम करते हो जो सब नहीं कर रहे होते, आपके पैसे अच्छे बनते हैं और थोड़े से आसानी से बनते हैं और थोड़ा सा मजा भी आता है. That is my understanding. ठीक है, जब मैं ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा था तब कोई नहीं कर रहा था, तब बहुत कम लोग थे. फाइबर पे पूरे नेशन अल्हम्दुलिल्लाह सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे अंडरकट कर रहे हैं आके इस टाइम पे. और जो है अभी पीपीसी वाज अ न्यू थिंग, काइंड ऑफ फैसिनेटेड मी इन 2020, काइंड ऑफ लर्नड इट. आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू माय फर्स्ट क्लाइंट हैड लाइक 350 एसकेयूज. दैट वाज माय फर्स्ट क्लाइंट एवर इन Amazon. लाइक आई हैड वर्क विद अ फ्यू स्मॉलर अकाउंट्स, यू नो, जस्ट a few things, listing things and stuff, but my first PPC client had 350 SKUs. I had to trap myself in for a month just to figure it out, and alhamdulillah I was able to figure it out, and that was a really good achievement for me. So for me, getting the knowledge that is not available to all the people is the most important thing, and that is why I read all those books, and that is why I invest in those courses. For example, I invest at least 2 courses a month pretty much for my team right now, and we have access to all the best, at least beginner or intermediate level courses all the time, best courses in Amazon, best courses outside of Amazon. If someone wants to learn something else, for example, we are selling on a platform which doesn't even open in Pakistan. We are selling on Groupon. I'm not really sure if people even know about that. So I'm all about knowing things before people do and then investing my services on that. So at the moment, we are working on Amazon operations. That's our major service.
And that is what we basically, we help those people which are already dominating the game. And then we help them with some white hat-ish things to be able to dominate the game in the longer run and to be able to crush their competition. Absolutely. That is what we do. We make good money for them, and that is why we are able to, you know, be in that game. Got it. So essentially the service that you are offering, like, is mostly needed by the brands that are already established up to certain level. Exactly. But at the back end, anyone then they need to do $1 million, less than $1 million a month, wouldn't probably need my service. Like, they have like 8 SKUs, they wouldn't need me. Exactly. Only the best seller guys need me, because they have much more to lose if their listing goes down by like 30 minutes one day. That is a big deal for them, but not for initial. Yeah, this is where our services lie as well. Like, in a supply chain part, you cannot, like, 5 to 6 SKUs are not a problem. But when it comes to 20, 30 SKUs, you will need a person to look at all your purchase orders and each and every step of that purchase order during the journey, and to keep track of the inventory at each stage. So I think that is something very similar to what we do as well. I think I referred the software to you as well, right? Fleaver. Like, we pay $1,000 a month, and they just emailed us last month that they're gonna make it to $5,000, because you were one of their very first beta testers, and they were giving us the best price possible. So at the moment, I am currently working on building a new forecasting system in-house, custom for our brands, that we are gonna launch, not in the global market, of course, but just for what we have in our agency, and of course a few other friends. Yeah, one point to add here, Fleaver CEO will be on the podcast next week. And we are also working on some and we are also working on that tool that you mentioned, just for building internally for our agency. So I would like to know a little bit more details on that, like, maybe what... we can talk afterwards. Let's stick to the topic. मेरा आपसे और तस्कीन से जरा एक काउंटर क्वेश्चन है जो आप दोनों बातें कर रहे हो. अब इट्स मतलब वेरी इजी टू से आप किसी ऐसी चीज में जाएं जो कोई नहीं कर रहा. यू एंटर अ ब्लू ओशन. इट साउंड्स फैंसी, इट साउंड्स रियली गुड, लेकिन लेट्स से आप किसी भी स्किल में, अ स्किल दैट डज नॉट ऑलरेडी हैव एन एग्जिस्टिंग मार्केट, it's very hard to find an existing training for it too, because there's no one to sell the training to. Theek hai, number one. Number two, for example, aap kisi aur skill mein bhi jaate hain. For example, something like Amazon advertising, right? Iske ek certain advanced level pe jo knowledge hai, wo aapko kahin nahi milega. Theek hai? Which is why I created the group. I was like, this knowledge koi kisi ko milega nahi, because market wo choti hai. To ab aap uske andar ja rahe hain. Theek hai? With Amazon advertising, you can test your way through. With something more critical, like giving perhaps supply chain recommendations, or perhaps uploading listings a certain way, you're doing something at the back end of the listing, or aapke paas client bhi aa raha hai jo multi-million dollars kar raha hai, aur aap karte hain, wo bechara uska revenue 20-30% drop kar jata hai from its best selling SKU. So you don't have a pre-existing training. Aap uske upar kuch nahi raha. How do you go about that? You don't have scope for error. So, for example, I knew about flat files in 2020, and even now I can almost guarantee that nobody in the local ecosystem, at least not known, understand them the way I do. Or for example, I wouldn't know anyone who can add custom fields into the flat file if they're not available. For example, if the variation is not available for a category, how would you make them? That's a question like I've solved for like 6 people in my inbox, like, in the last 6 months. So, like, those are the things. Again, I know you have solved key issues. When I have a portfolio manager, you can help us out with it. That's how I get my knowledge now. Like, people come to me for issues. At the moment, I have an issue. I can't figure it out for the last 6 months. It's a variation. They make it. It breaks down in like 12 hours max. I can't, for the love of my life, figure it out. And that's how I get that. But generally speaking, long form content ko read karne ka stamina aapka agar hoga na, you'll figure it out. I get that from reading IEEE journals in electrical engineering. So like, I read those insane alien level languages, which is in engineering, and I pride myself on that. Yaar, mujhe wo aata hai na,
Amazon के रूल्स तो शुगर में पास कर लेगा, आप अभी फ्लैट प्राइस हो सकती है. 1 point to add from here. So Huzaifa, you mentioned supply chain here. Supply chain में जो मेरी entry हुई थी, I started working with aggregators. I was like an Amazon specialist, a supply chain specialist for them. Starting it from very basic, and as Tahseen said, I am also from an engineering background. So what I did, I started studying the ERP manuals, going down into the support documents, and checking each and everything how the integrations were built and passed. Getting to know all these points from where that linkage was created, and you know, studying all the supply chains, the backend stuff, and how it was digitalized over time. So when you work in these big agencies, you have all the SOPs and everything there. You have complete access to everything, and that was the time where you know my tasks were like you know hardly 3 to 4 hours a day, but I was working like 10 to 12 hours to dig down deep on in those areas, and. Once I got experience in that part, I started studying the basics of the supply chain, taking it from the theory that actually is. And I built my LinkedIn in a way, I got approached by another aggregator. So that was my chance where I implemented complete systems from scratch. I have talked with Tahseen about that, but just to add a little bit, there we started building the forecasting systems, implementing ERP on their accounts. And taking it from there, like it was a long journey while working with their founders directly, and I'm still working with them. So that is the whole part where you came to know about a unique skill. And from there, you can just build your SOPs internally and multiply it over other clients. Okay, if I make it or be answer karunga to the same question that I asked, that is one way to go about it. Another very simple way is aapko training hi nahi mil rahi, aapko banda dhoondne who is capable of launching a training, but he hasn't because market exists nahi karti. And get close to that person, invest in building a relationship there. Maine ye kiya tha. When I started PVC, I remember in Pakistan at least, it was in its absolute infancy. Matlab absolute, un dino bada push kar rahe the, and I was like, this is not even PVC. Matlab ye un dino ki baat hai, main Arkam ko pehli dafa incubator baithe hue mila tha. So I got close, mujhe ek do bande mil gaye Pakistan mein, jo mujhe pata tha, ye PVC mein lage hue full time, aur kaafi badi agencies ke saath. Nahin, main nahin. हाँ तो अरकम नहीं में वो दो और लोग थे तो वो उन दो के मैं बस पीछे लग गया एंड आई रिमेम्बर मैंने बड़े आराम सुकून से बड़ा इन्वेस्ट करके आई इन्वेस्टेड इन बिल्डिंग अ रिलेशनशिप विद देम ताकि वो जो मीडियम लेवल तक मैं पहुंचूं आगे फिर देखी जाएगी नेक्स्ट हमने किसको पकड़ा नेक्स्ट आया तो हमने कुछ अंग्रेज पकड़ लिए तो यू कीप गोइंग दैट लैडर तो आप बेसिक्स में है तो एक मीडियम वाला पकड़ लें बिकॉज एक्सपर्ट आपके सवालों से तंग होगा उस पर आती है फिर एक्सपर्ट को पकड़ने एक्सपर्ट तो मेक श्योर कि आप अपने से थोड़ा सा व्हेन आई स्टार्टेड आई रिमेम्बर आई पिक्ड अ गाय हु who's at one of the very well-known agencies, Elevate pe, Shehryar Amir, shayad aap logon mein se kisi ko pata ho. So he had also started aur usko khud 2 mahine hue the shuru kiye. To mujhe pata tha ye is time abhi mere haath aa jayega. Theek hai to I think this is another way that we can add to the discussion. Like you can start engaging with the early adopters that are a little bit ahead of you and just get engaged with them. Or expert wala point se एक्सपर्ट वाले पॉइंट से ये है कि अगर आप एक्सपर्ट को कोई क्वालिटी क्वेश्चन दोगे ना ही विल अप्रिशिएट योर क्वेश्चन बिकॉज़ समटाइम्स यू ब्रिंग इन अ क्वेश्चन दैट इज नॉट इन देयर माइंड एज वेल सो ही विल आल्सो यू नो ट्राई टू गेट क्लोजर विद यू एंड लर्न इवन मोर फ्रॉम व्हाट क्वेश्चंस यू आर ब्रिंगिंग सो ब्रांडिंग का एक पॉइंट आता है सॉरी फॉर कटिंग यू आउट ब्रांडिंग का भी पॉइंट रहता है इफ यू हैव गुड फॉलोइंग एवरीबॉडी विल रिस्पोंड यू ये ट्राइड एंड टेस्टेड है इस पे जबरदस्ती कर लो तो जब स्टार्ट में हमारी फॉलोइंग नहीं थी ये मुजफ्फर वाला काम मुजफ्फर मैंने ये बहुत काम किया हमें जो सा बंदा लगता था ना कि ये इसका हमें कोई फ्यूचर में तो 1 साल बाद भी फायदा होगा हमने उनके साथ दबा के बातचीत की है दबा के इन्वेस्ट किया दबा के रेसिप्रोकेशन की है कि मतलब अगर आई थिंक हसीब को किसी चीज़ की जरूरत है ना तो वो मैं चीज ढूंढ के निकाल के दूंगा हसीब को कहीं ना कहीं से ताकि 6 महीने बाद जब मैंने हसीब से मुझे कोई काम पड़ेगा ना तो मैं उस काम का 10x दूंगा इसी से तो ये सिनेरियो ही ये ना पता वही बात आ जाती है कि यू आल्सो हैव टू मेक श्योर कि आप जो उनके साथ फॉलो अप वगैरह भी कर रहे हैं ना यू मेक श्योर कि एटलीस्ट इट्स अलाइंड विद आप जो चीज कर रहे हैं मतलब फॉर एग्जांपल इफ यू आर आस्किंग देम क्वेश्चंस तो बी रेडी फॉर रिजेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट मैं आउटरीच पहले भी मैंने बोला था कि आपने इंटर्नशिप करनी है रीच आउट आपको क्लाइंट लानी है ऑनेस्टली इनबाउंड इनकंसिस्टेंट होता है कभी ऊपर कभी नीचे मेरे पास महीने के 50 leads भी आए हैं और महीने के 3 भी आए हैं अभी रिसेंट भी ऐसे ही साइकिल होते हैं रीच आउट एंड बी रेडी फॉर रिजेक्शन इट्स सिंपली अ वॉल्यूम गेम ठीक है 100 लोगों को रीच आउट करें 3 आपको रिप्लाई कर देंगे 50 को करें 6 कर देंगे तो
कीप कीप गोइंग फॉर द वॉल्यूम गेम, वेदर ये आपने उन लोगों से रिलेशनशिप बनाना है जिनसे आप सीख रहे हैं, चाहे आपने क्या कहते हैं हायरिंग के लिए आपने कुछ करना है, यू जस्ट गो अबाउट दैट, ठीक है ना. तो आप रिजेक्शन के लिए रेडी रहिए, ना सोचें कि यार मैंने मैसेज किया वो रिप्लाई नहीं आएगा. ये ईगो और शर्मिंदगी आप पीछे छोड़ते हैं, अगर आपको वो करना है तो फिर यू आर नॉट गोइंग टू गेट वेरी फार हियर. जितना ये क्विकली चेंज करती है ये इंडस्ट्री, फिर आप एमएनसी में चले जाएं, अगर आप एमएनसी में जाते हैं किसी और जगह जॉब करने, बिकॉज यहाँ पे रिजेक्शन के लिए आपने रेडी रहना है हर लेवल पे. अगर आपको एम्प्लॉई भी बनना है ना, आप कहते हैं मुझे बिजनेस नहीं रन करना, मुझे रिस्क नहीं लेना इतना, इवन एट दैट लेवल जिस दिन से आपने लर्निंग शुरू कर दी ना, नाउ स्टे रेडी फॉर रिजेक्शन, ठीक है. तो इस चीज पे आप रेडी रहे, यू हैव टू गेट रिजेक्टेड, लोगों को नेक्स्ट ट्राई दैट रिलेशनशिप. ग्रेट. बेसिकली इसमें ये मेन मसला ये है कि लोगों ने जो कन्वर्जन परसेंटेज है ना वो 100/100 रख ली हुई है, ठीक है. वैसे उनको बेशक पीपीसी में उनको अगर 10% पे आ रहे तो वो खुश है, लेकिन अगर उनको एप्पल का प्रपोजल हो गया, इनबाउंड हो गया, या बिल्कुल आउटरीच हो गया, कुछ भी हो गया, उसमें 100/100 क्यों नहीं आ रहा है, उस पर तो बहुत ज्यादा मसला है. तो ये बेसिकली क्या कुछ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है बहुत ज्यादा. Agreed, agreed. अच्छा यहाँ से ना डिस्कशन थोड़ी सी शिफ्ट करते हैं, बिकॉज एजेंसीज के काफ़ी मसले चल रहे हैं आजकल पाकिस्तान में, और मेनली जो मसला चल रहा है वो है हायरिंग एंड ट्रेनिंग प्रोसेस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बेसिक क्वेश्चन जो हर बंदे के माइंड में रहता है कि यार एक्सपीरियंस पर्सन या न्यू टैलेंट, और अगर न्यू टैलेंट है तो हाउ टू डिवेलप दैट ट्रेनिंग पार्ट. सो Huzaifah, you posted something recently, and I think that was a hint to what you are planning to do. So I would like to start with you, like how you are planning that training part. First, you already did one part that is already successful, and you have the team, you have the core team from that. So I would like to, you know, leave it to you to take it from here and just explain your process the way you are trying to build it. अच्छा इसमें ना इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द रोल, ठीक है. इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स भी नोट डाउन किए थे. सो आई हैव सो फार डन टू थिंग्स. वन वाज हायरिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग पीपीसी मैनेजर्स, व्हिच आई थिंक वाज ऑब्वियसली आई वुड बी डाउन प्लेइंग इट बाय सेइंग कि इट वाजंट टफ, बट इट वाज स्टिल स्ट्रेट फॉरवर्ड. मुझे पता था कि रगड़ा है पर स्ट्रेट फॉरवर्ड है. जो मुश्किल काम था दैट वाज डेवलपिंग एन आरएनडी डिपार्टमेंट. व्हाई? बिकॉज दैट रोल डज नॉट एग्जिस्ट इन पाकिस्तान, ठीक है, स्पेशली अमेज़न एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के अंदर. एंड दैट रोल हैड नो जॉब डिस्क्रिप्शन. तो बड़ा वो जो है ना कहते हैं सेल्फ ड्रिवन रोल है. अब एक बंदा किस स्पीड पे रिसर्च कर रहा है, आप एक हद से ज्यादा कितनी डिक्टेट कर सकते हो, ठीक है. ऑब्वियसली कुछ चीजें आप एक नोट डाउन कर लेते हो, बट दैट पर्सन हैज टू कीप थिंकिंग कि मैं कैसे वैल्यू एड कर सकता हूँ. सो दैट वॉज अ बिगर हेडेक. अब जनरली ये होता है कि आप कोई भी जब किसी भी रोल के लिए हायर कर रहे हैं ना, द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद पाकिस्तानी पीपल इज, और ये इसकी अब मैं साइकोलॉजी में चला जाऊँ तो बहुत पीछे से आता है, लेकिन वी आर inherently scared of confrontation. हम लोगों से कन्फ्रंट नहीं होता, ठीक है. घर में कभी अब्बा ने बैठ के वो कहते हैं ना टू वे कॉन्वर्सेशन नहीं करने दी, या कभी दादा पर दादा के जमाने से गोरों ने नहीं हमें बात करने दी. ये एक पाकिस्तानियों में है कि हम लोग नहीं कन्फ्रंट कर सकते. और वैसे भी अगर आप ये जाके वैसे भी ब्रांड मैनेजमेंट इंडेक्स वगैरह के अंदर देखें और आप कस्टमर एवर्टाइज वगैरह के अंदर देखें, तो पाकिस्तानी कन्फ्रंटेशनल इंडेक्सेज में बहुत मतलब नहीं कन्फ्रंट होता है. मतलब ये रिसर्च बैक चीज. तो learn to have that uncomfortable conversation early on. बड़े आपने फिल्टर रखना है. देखिए आप जब भी हायर कर रहे हैं ना, द फर्स्ट पार्ट इज फिगरिंग आउट कि आपने एप्लीकेशन कैसे ज्यादा से ज्यादा करनी. अगर आप अगर तो आपका पर्सनल ब्रांड है तो आप उधर से कर लें, अगर आपको पर्सनल ब्रांड नहीं है तो जिनका है उनके थ्रू अपने लिए पोस्ट करवा लें. बट मेक श्योर कि यू एम्प्लॉयर ब्रांडिंग इज सुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है. मैंने रिसेंटली अभी लम्स के अंदर फाइनल की स्क्रीनिंग थी वर्ल्ड कप की, मुझे पता था इस पर 3-4 हज़ार बंदा तो आ रहा है सारा इधर के स्टूडेंट. तो आई स्पॉन्सर्ड दैट सिंपली ताकि एक एम्प्लॉयर ब्रांडिंग का प्रोसेस इधर स्टार्ट हो. पर्सनल ब्रांडिंग की भी है, वाई सो देयर इज एम्प्लॉयर ब्रांडिंग. तो एम्प्लॉयर अगर आपकी अपना पर्सनल ब्रांड है फिर तो लोग आपके साथ काम करना चाहेंगे, वो आपने उसके लिए फिल्टर करना है. अगर आपका पर्सनल ब्रांड नहीं है और आप किसी और के थ्रू करा रहे हैं तो तहसीन की पोस्ट पर आके आपकी पोस्ट पर ये नहीं होगा कि फिल्टर सेट हो जाए. आधे लोग तो शायद अप्लाई ना करें अनलेस गिविंग अ वेरी हेफ्टी पैकेज. तो मेक श्योर कि अपनी एजेंसी की यूएसपीज यू एडवर्टाइज करें. जिसना भी हसीब कर रहे हैं, आई डोंट इवन एग्जैक्टली टू द फाइनेस्ट डेप्थ नो कि वो एग्जैक्टली क्या चीज़ कर है, बट वो अपनी यूएसपी इधर उधर बताते रहते. सो आई नो कि अच्छा हाँ भाई ये बंदा ही इज ऑन लाइक ए गुड पाथ. ये पोस्ट कर दे और मुझे कुछ ना पता होता ना तो मैं पहले चेक करता अगर मैं इस टाइम जॉब के लिए देख रहा होता कि ये क्या करता है भाई, मतलब समझ आ रही. तो एजेंसी इज समथिंग दैट विल प्रोटेक्ट मी, ठीक है. तो मेक श्योर कि अपनी यूएसपी से एडवर्टाइज कर. चलिए ये तो आपका फर्स्ट स्टेप हो गया. नेक्स्ट पार्ट है आपका फिल्टर करना. हैव दैट अनकम्फर्टेबल कॉन्वर्सेशन अर्ली ऑन. मेक इट क्लियर कि आप सैलरी, लोग बताते हैं कि आपकी सैलरी इधर स्टार्ट होगी.
मुझे फर्ज कर रहे हैं मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे एक बंदा 40,000 सैलरी दे रहा है और एक 40 दे रहा है, मेरे लिए तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि साल डेढ़ साल दो साल बाद मैं किधर हूँगा। तो वो क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में जिसमें थोड़ी हिम्मत होगी वो वैसे ही पूछ लेगा, जिसने नहीं पूछना उसके दिल में है। देखिए अगर ख्याल है ना किसी के जहन में तो वो है, आप ये नहीं सोच सकते कि उस बारे में बात नहीं हुई तो वो एग्जिस्ट नहीं करता, दैट इज आप अपने आप को एक फेक कम्फर्ट दे रहे हैं। बी ट्रांसपेरेंट, मैंने जब हायरिंग स्टार्ट की थी तो मैंने फॉर्म के अंदर ही पूछ लिया था कि आपकी मिनिमम आपको कितना पैसा चाहिए अपना मंथली खर्चा रन करने के लिए, जितना भी आपको जरूरत होती है, घर की ऑब्लिगेशन है या जो भी है। सो आई एग्जैक्टली नो कि यार इतना कम से कम हो गई, अब किसी बंदे की घर की ऑब्लिगेशन तो अपना ही मिला के 2.5 लाख है, तो मुझे पता है कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी वेरी वायबल हायर। तो हैव दैट फिल्टर, फिल्टर दो तरह के, एक तो आपने कर लेना क्वालिफाई, अपनी रिक्वायरमेंट्स देख लें एंड मेक श्योर कि आपका जो हायरिंग फॉर्म है आपने एम्प्लॉयर ब्रांडिंग की स्टेज वन, इधर से आपका शुरू हो गया हायरिंग के लिए फनल। सेकेंड आपकी उधर आ गया, आपने पहले 4-5 सवालों में वन लाइनर मेक दिस वेरी इजी टू आंसर क्वालिफाई कर लें कि आपकी ये रिक्वायरमेंट है, अगला बंदा क्या है। अच्छा अब कुछ फाइनर आपकी रिक्वायरमेंट है कि बंदा ऐसा होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, ये अब आप सिंगल वर्ड आंसर या सिंगल लाइन आंसर में आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे व्हाट आई से इज कि जब भी आप हायरिंग रोल आउट करें, जो भी आपका प्रोसेस है, फर्स्ट इंटरेक्शन शुड बी, कहते हैं ना थोड़ा सा, इट शुड हैव अ स्लाइट बैरियर टू एंट्री, दैट बैरियर टू एंट्री कुड बी a detailed application, something as simple as that. You could go more innovative with that. You could go perhaps कहते हैं कि perhaps even giving a task कि चलें आपने application बहुत simple रख दी, अगले में आपने first or second interview रख दिया, first interview के बाद आपने एक 25 घंटे की playlist दे दी और बोला हफ्ते में देख के और मैं आपसे इसमें से questions करूँगा। तो कोई ना कोई barrier to entry रख लें आपका। मेरा barrier to entry क्या होता है, आई एम वेरी कहते हैं ना आई एम वेरी हॉट कि अगला बंदा जो है ना इंटेलिजेंट होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। तो रिस्पॉन्सिबल तो उधर से जज होते थे इफ दैट पर्सन इज गोइंग थ्रू द होल फॉर्म और वो फिल कर रहे, ठीक है। अब मैंने कई लोगों को ये भी सुना यार, जब मैंने फॉर्म लाइव किया कि यार आपका फॉर्म बहुत लंबा है ये तो कोई फिल ही नहीं करेगा, मैंने कहा तो एग्जैक्टली अगर एक बंदा इज नॉट सो सीरियस अबाउट या इज नॉट सो सीरियस अबाउट गेटिंग अ जॉब हियर कि वो फॉर्म लंबा नहीं फिल कर रहा, तो इट्स गुड कि वो फिल नहीं कर रहा। तो हैव अ फॉर्म दैट क्वालिफाइज, आस्क परहैप्स इंटेलिजेंट क्वेश्चन, किसी चीज़ का किसी ट्रिक या पजल का उसमें क्वेश्चन डाल दें, मेक देम थिंक, मेक देम गो थ्रू दैट एप्लीकेशन कि चलो वो सोचे यार ये एक उसने सोचा था 15 मिनट में फिल करूंगा, नहीं हो रहा, ही गोज बैक कहते हैं अच्छा मैं रात को आके जरा आराम से देखूँ, दैट इज अ पर्सन हु विल इवेंचुअली स्टे। आपने क्वालिफाई कर लिया, उसकी इनकम रिक्वायरमेंट्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जस्ट मेक श्योर कि इनकम रिक्वायरमेंट्स फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अलाइन करती हूँ, सब अलाइन कर रहे इवेंचुअली वो बंदा आ जाएगा। तो उसके बाद भी आई वुड से कि वंस यू हैव हायर्ड एटलीस्ट, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने अब इंटर्नशिप वगैरह कराई, काफ़ी सारे मेरे इंटर्न्स थे हु इन इंटर्नशिप वर, मैं कहता था भाई क्या चीज़ है, व्हेन दे केम टू द जॉब दे वर वेरी डिफरेंट, कोई आगे निकल गया, कोई कहीं निकल गया, कोई मतलब हमारा इस टाइम जो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ इंशाल्लाह इस मंथ के एंड पे होगा वो हमारे लीडर बोर्ड में आई थिंक 3 और 4 पे आता था जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था, जो एक मैंने मेंटल लीडर बोर्ड बनाया हुआ था। तो थिंग्स प्ले आउट वेरी डिफरेंटली, जब प्रैक्टिकल काम आता है, पीपल फ्रीज, डिसीजन पैरालिसिस एक अलग चीज़ होती है, मेक श्योर कि एटलीस्ट आपका एटलीस्ट 30 डे प्रोबेशन या इंटर्नशिप या ऑन जॉब पार्ट होना चाहिए जहाँ पे आप जज कर रहे हो। और उसमें ये नहीं करो कि एक बंदा शॉर्ट लिस्ट करके ले आए, आपको लगता है ना कि ये बंदा बेस्ट है, पिक द सेकंड एंड थर्ड बेस्ट पर्सन टू, इन तीनों के ले आओ, बोलो ये प्रोबेशन है मैं 3 में से एक रखूंगा, क्लासिक परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस स्टाइल, जिस तरह उसमें इंटर्नशिप थी 30 बंदे थे, एक विल्स में 10 पे सिलेक्ट होना था, ठीक है। तो गो अलॉन्ग दैट रूट, मेक श्योर कि वो बंदा प्रैक्टिकली टेस्टेड है, आपने पहले क्वालिफाई किया तो आपका पहले फिल्टर छोटा हो गया, आपका भी टाइम बचेगा, हायरिंग कॉस्ट नीचे जाएगी, हायरिंग कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ बोथ टाइम एंड फाइनेंशियल, ठीक है। उसके बाद फिर आप इंटरव्यूज करें, फिर बंदे को थोड़ा हफ्ता महीना, अच्छा आपके पास कुछ नहीं है ना, आप कहते हैं बड़ा सीधा काम है, हम तो सिंपली हम लोग सिंपली फ्लैट फाइल वगैरह करते हैं, ये फलां करते हैं, ठीक है, और इसके अंदर हमने अभी एक बंदा हायर करें जिसे हमने सिर्फ ये 2 बेसिक टास्क कराने, कोई मसला नहीं, आप उसको बेसिक टास्क के लिए भी हायर करें, रख के 30 डे ना उसको अपनी SOPs के ऊपर टेस्ट कराएं, देखें वो SOPs कितनी जल्दी अडाप्ट करता है। सो समवन इज अडैप्टिंग टू SOPs क्विकली, ही विल अलाइन रियली वेल विद द ऑर्गेनाइजेशन। तो 30 दिन उस चीज़ पर लगाएं, देन मेक श्योर कि यू आर काइंड टू योर एम्प्लॉयज एटलीस्ट फाइनेंशियली, जो आपने उनसे प्रॉमिस किया था। मैं जब एक सोलो फ्रीलांसर था मेरे लिए बड़ा ईजी था ऑनेस्टली, नई भी ग्रोथ हो रही आराम से बैठे में, अब मुझे पता है आई हैव टू कीप ग्रोइंग, क्योंकि वाई शार्क एडवर्टाइजिंग स्टेज एट दिस लेवल फॉर लाइक ए ईयर और टू, तो उनकी भी तो ग्रोथ रुकी हुई है। तो इवेंचुअली एक वो आपके पास होता है ना कि आपको मतलब जब एक बच्चा छोटा होता है तो आपने उसको क्या 4 चीज़ें लेके देनी है, बड़ा होगा तो वो कॉलेज चला जाएगा यूनिवर्सिटी, तो फीस भी बढ़ती है, तो वो इस एग्जाम्पल होती है द ओल्डर एन एम्प्लॉय गेट्स, तो आपको ख्याल रखना पड़ता है। तो यू कुड गो वंस एन एजेंसी इज मैच्योर, आई वुड से तब आप जाएं हायरिंग एक्सपीरियंस पीपल, आपको डिपार्टमेंट को ही सेटअप करना है। फॉर एग्जांपल अभी अगर मुझे बिजनेस डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट सेटअप करना है, आई वुड बी ओके पेइंग समवन हेफ्टी फीस कि वो अपने एक्सपीरियंस के साथ आए एंड ही कैन स्टार्ट दैट। लेकिन जनरली ये है कि अगर आप फॉर
आपको ऑब्वियसली कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन भी देखनी है, तो एक बेसिक लेवल पे मेक श्योर कि आपके जो भी रोल स्टार्ट कर रहे हैं अगर आप वो खुद करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अगर पीपीसी चलाता हूं तो मैं उसी को ही ट्रेन करूं आगे एंड आई ट्रेन रिसोर्सेज फ्रॉम स्क्रैच। व्हाई फ्रेश लेट है वो आपकी एसओपीस पे अलाइन करेगा, वो आपके तरीके से सोचने लग जाएगा, सबकी एक अलाइनमेंट वाली आपकी पूरी एजेंसी अलाइंड होगी ऑन द स्ट्रेटजीज एज यू गो फॉरवर्ड, ठीक है, और उस एक बेस के ऊपर से आपके डिफरेंट आइडियाज आपस में बनेंगे, तो मेक श्योर यू डू दैट। फिर उसमें एक चीज ये थी कि एक बहुत बड़ा थ्रेट लोगों की होता है यार बहुत ज्यादा ट्रेन कर दिए तो फॉरेन एजेंसी पकड़ जाएगी। देखिए आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप री इन्फोर्सिंग दैट कॉन्वर्सेशन विद योर एम्प्लॉयज। पहली बात जब आप इंटेलिजेंट और रिस्पॉन्सिबल लोग हायर कर लेते हैं ना तो वो वैसे ही मैच्योर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मेरे अगर टीम मेंबर्स हैं वी कीप री इन्फोर्सिंग एंड हैविंग दैट कॉन्वर्सेशन एंड दे ऑल्सो अंडरस्टैंड द फाइनेंसिस बिहाइंड इट कि अगर आज हम जाके एजेंसी शुरू करते हैं ना तो अगले 12 महीने में हमारा पैसा इतना ही बनना है, क्यों कुछ हम कैश रिजर्व निकाल देंगे दैट इज नॉट एक्सेसिबल, फिर भी हम उसके बाद एक 10-20-30% प्रॉफिट का हम ले सकते हैं, फिर एम्प्लॉयज का ही होगा, कल को क्लाइंट को रिफंड हमें देखने पड़ेंगे, चला जाएगा, एक्विजिशन हमें करनी पड़ेगी, तो देर मेच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड कि यार इवेंचुअली अगर यहाँ पे हमें सेफ्टी है, रिस्क हमारा लो है, दिस पर्सन विल कीप अस इफ यू कीप परफॉर्मिंग वेल, दैट इज ऑल वी हैव टू डू, तो दे विल स्टे बिकॉज इवन विद फॉरेन यू कीप हैविंग दैट कॉन्वर्सेशन। आई थिंक इट्स अगर कोई भी आपके एम्प्लॉयज थोड़े भी स्मार्ट है आई थिंक वो लिंक्डइन पे हर कुछ टाइम देखते रहते हैं एग्रीगेटर्स फॉरेन एजेंसीज, वो आपको यूं निकाल देते हैं फॉर देम एन एजेंसी जो आपकी 2015 से चल रही है अमेजोन इकोसिस्टम के अंदर। आई थिंक फॉर एग्जांपल लेट्स से माय अमेजोन गाइस, आई थिंक दे वर इन ऑपरेशन सिंस 2016-15 पता नहीं कब से, तो आज 8 साल के बाद यू जस्ट अ स्मॉल कहते हैं ना वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द बिगर मशीन। सो समवन हु इज अ पार्ट ऑफ एन एजेंसी दैट इज ग्रोइंग $10,000-$30,000 in monthly revenue, even $3,000-$5,000, they, aap, you keep having that conversation. Unko bhi reality, aap ki asmaan se unko chote bache ki tarah bewakoof to nahi bana rahe, it's the reality. Aapne bahir ki agency pe jana hai, someone is that, chala jai. What if they fire you after 4 months? What if you don't, toh ek pura switch hota hai, you need to keep having that conversation. You make sure ke, you keep giving reminders, especially jab aapke nahi employees dobara baar baar aate hai, purana ko toh samajh aane lag jati hai. You keep having that conversation. और अगेन उसके बाद सक्सेशन बिल्ड करना बहुत जरूरी है। अगेन आपका कोई एम्प्लॉय अगर चला भी जाता है तो आपके पास सक्सेशन होनी चाहिए, ठीक है, ये ना हो कि आप ऑब्वियसली एक हिट आएगा कुछ टाइम आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, आपके बाकी सब चीजें स्लो डाउन होंगी, बट यू हैव टू बिल्ड सक्सेशन। और ये आई टुक एन एचआर कोर्स लास्ट सेमेस्टर समर के अंदर और मैंने जाके यही पूछा अपने इंस्ट्रक्टर से कि आई हैव अ वेरी स्मॉल टीम, तो समटाइम्स व्हेन यू हैव अ स्मॉल टीम यू रिलायंस ऑन, और स्पेशली अगर आप पोर्टफोलियो सिस्टम में चल रहे हैं, एक बंदा है वो मल्टीपल क्लाइंट्स चला रहा है, जितनी भी बड़ी टीम हो जाए आपकी हर बंदे पे रिलायंस रहती है, वो जाएगा तो वो पोर्टफोलियो उसका था, उससे क्लाइंट अब कौन संभालेगा, ठीक है, तो ही वाज लाइक दिस जस्ट वन सिंपल वे अराउंड दैट, बिल्ड सक्सेशन एंड प्रोजेक्ट योर प्रोजेक्ट्स, दैट इज लिटरली एज सिंपल एज दैट। आपके एक प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसपे आप चीजें डॉक्यूमेंट कर रहे हो ताकि समवन एल्स हु नोज द एसओपीज, हु नोज कि अच्छा आपके उस प्रोजेक्ट पे आप टीम को बताते रहे यार वो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा चल रहा है, उस पोर्टफोलियो में बड़ा अच्छा चल रहा है, वो आए उसको बस ये देखना अच्छा इस प्रोजेक्ट का ये पूरा का पूरा जर्नल है और मुझे आके ये चीज देखनी, तो आपको रिस्क यू कवर अप करना, प्रोजेक्ट की एक हिस्ट्री बना लें कि इस प्रोजेक्ट में इस टाइम पे ये चीजें हुई हैं, सो ही जस्ट गो थ्रू दैट एसओपी एंड लर्न अबाउट दैट पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एंड टेक इट ऑन फ्रॉम देयर। एक पॉइंट मैं इसमें यहाँ से आगे ऐड करना चाहूंगा कि व्हेन इट कम्स टू जेन जी वर्सेस मिलेनियल्स एक डिफरेंस है, क्योंकि प्रीवियसली लाइक द एवरेज जॉब a single person would like to work at one company that was around 4 to 5 years for millennials, but when it comes to Gen Z that time is like, you know, around 1 year at most, so that is a little bit of a difference that we are seeing right now in our generation. There is one thing I guess which can keep them aligned is to prepare a growth plan for them so that they can remain engaged in the whole process, like they should know ke bhai ek saal baad meri kya position hogi और वेयर आई विल बी गोइंग। सो इसके अराउंड तहसीन अगर आप कुछ ऐड करना चाहें कि इसको किस तरह से डिजाइन किया जा सकता है और आप इंटरनली इस पे क्या काम कर रहे हैं। सो आई थिंक यू हिट द नेल ऑन द हेड इन टर्म्स ऑफ के आपका जो पॉइंट है ना वो बिल्कुल सही है। इफ यू डोंट हैव अ ग्रोथ प्लान देन हुज़ैफा मेंशन दैट एज़ वेल, यू नो, इफ यू आर रनिंग कंपनी यू आर रिस्पांसिबल फॉर ग्रोइंग द पाई फॉर अ लॉट ऑफ पीपल एंड आई गेस अल्लाह ताला उसमें मतलब भी डालता है उसी तरीके से। You, if you are responsible for a company, then you need to grow the company. Or freelancer will still look at it. Like, if I have 6 months reserve, I can do anything, like effort. I can go anywhere, I can do anything. If you are responsible for a company, then you can't do that.
वो रिजर्व्स वाला पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ यू डोंट हैव योर मनी यू विल नॉट हैव अ गुड स्लीप, एब्सोल्युटली नॉट, अगर आपके पास पैसे नहीं है वो वाले. तो जो वी यूज अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड विनिंग डॉक्यूमेंट, दैट इज बेसिकली 1 year प्लान ऑफ ईच पर्सन. That is, then they divide it into Q1, Q2, Q3, and Q4, and then they basically have rocks for each quarter. So, for example, these are the 10 things that I need to learn to be able to be at that position, and then the financial aspect has to be linked to that as well. And the trick is if you can use that on a and see it on a holistic level and see it on a company level on what skills you are building up in your company. Then you can use that to grow the business in a much better way as well. So that is how we do it right now. This is not very sophisticated right now in my company, but we are currently building it out, and inshallah we will be in a much better place in after this quarter. Great, I guess. Arkam, if you want to add anything on top of this. या ओवरऑल मेरा टीम मैनेजमेंट में इतना ज़्यादा भी करंटली रोल नहीं है, बट आई एम ट्राइंग टू इंटरेक्ट मोर विद माय टीम. एंड इन टर्म्स ऑफ जैसे तसीन ने बताया, इट्स अ रियली गुड आइडिया इन विच वी कैन गिव देम अ फोरकास्ट ऑन हाउ मच दे कैन अर्न फाइनेंशियली, हाउ मच दे कैन ग्रो. बट मेरी मेन चीज यही है कि जो अभी अपनी फील्ड स्टार्ट कर रहे हैं, दे शुड नॉट जस्ट फोकस ऑन द लर्निंग्स दे आर गेटिंग फ्रॉम द कंपनी, दे शुड लर्न फ्रॉम एक्सटर्नल रिसोर्सेज एज वेल, ताकि ये ना हो कि सिर्फ आप उन 8 या 10 घंटों की लर्निंग के ऊपर डिपेंडेंट हो. आप लिंक्डइन जाओ, मल्टीपल लोगों से इंटरेक्शन करो, उनसे चीज़ें लर्न करो. क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जैसे अगर आप एक निश डाउन एजेंसी है या फिर जैसे PPCC की एजेंसी है सिर्फ, ठीक है, आपको डिज़ाइन के एलिमेंट्स की समझ नहीं आएगी. आप किसी डिज़ाइन एलिमेंट वाली इंडिविजुअल को या फिर कंपनी को फॉलो करो, ठीक है, उनसे डिज़ाइन की चीज़ें सीखो, स्टोर फ्रंट की, EBC की, ठीक है. सेम गोज फॉर लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन विच यू डू नॉट लाइक, सेम गोज फॉर सप्लाई चेन. जैसे कि हमारी कंपनी, हम सप्लाई चेन मैनेज नहीं करते, ठीक है, एंड इफ समबडी लाइक्स सप्लाई चेन एंड इन फ्यूचर दे थिंक अगर ये चीज़ कंपनी के अंदर एड होती है, देन आई कैन बी द लाइक द बेस्ट रिसोर्स फॉर इट, दे कैन लर्न इट फ्रॉम यू, ठीक है. तो ये चीज़ें जस्ट कीप ऑन लर्निंग स्टाफ, न्यू स्टाफ, क्योंकि जहाँ पे अब इसमें एक एग्जांपल थी विच समबडी टोल्ड मी कि एक डिज़ाइनर था, वो एक कंपनी में काफ़ी 6-7-8 साल से जॉब कर रहा था, ठीक है. तो जब उसको जॉब से निकाला गया तो वो किसी और कंपनी ने उसको लिया नहीं, ठीक है. रीज़न क्या था कि ही डिडंट हैड लाइक 5-6 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ही जस्ट रिपीटेड 1 year ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है. तो आपको ये काम नहीं करना कि जो आपने पहले 2 माह या 3 माह चीज़ सीख ली, आप बोर हो गए हैं और आपने कहा उस चीज़ को रिपीट करते जाएं. आई दे टॉक विद योर रिक्रूटर, ठीक है, कि आई एम लाइक डन विद दिस स्पेसिफिक रोल, यू कैन शिप मी टू द नेक्स्ट वन और शिप मी टू सम अदर डिपार्टमेंट, ठीक है. क्योंकि एक इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है. अगर मैंने आई एम लाइक नाउ फॉर्मर कॉपी राइटर, ठीक है, आई डोंट डू कॉपी राइटिंग एनी मोर पर्सनली, ठीक है. क्या रीज़न है कि आई जस्ट डू नॉट लाइक इट एनी मोर, ठीक है. एक टाइम पे मैंने इसकी सारी जितनी पसलियाँ थी सारी हिला दी थी, ठीक है. अब उससे अब मेरा नहीं दिल करता, ठीक है, इतनी रिसर्च करूँ, 4-4 घंटे बैठ के रिसर्च करके एक पोस्ट लिखूँ, नहीं होता, ठीक है. हाँ, अगर सेल्स की वैसे कोई फनल बनाने हो या वैसे कोई चीज़ इंट्रैक्ट करनी हो वो मुझसे करवा लो, लेकिन मुझसे बैठ के लिखवा नहीं सकता आप कोई, ठीक है. सो ये कुछ चीज़ें लाइक यू इवॉल्व विद टाइम. एक टाइम पे आता है एक ब्रांड मैनेजर है, वो कहता है कि यार मुझे एक साल मैंने काम कंपनी में काम कर लिया, मुझसे बैठ के काम नहीं होता, नाउ आई वांट टू मूव फॉरवर्ड टू प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है. सेम गोज फॉर कोडर्स, कोडर्स के लिए तो काफ़ी ज़्यादा मशहूर भी है कि यू कैन ओनली कोड फॉर लाइक 3 या 4 years, दैन यू गो इन टू लाइक डीबगिंग एंड स्टफ एंड यू आर मॉनिटरिंग कोड, यू डू नॉट लाइक कोड योरसेल्फ. तो ये कुछ चीज़ें हैं. इसमें ना हसीब में एक पॉइंट और भी ऐड करूंगा कि इवेंचुअली अगर आप एजेंसी इंसानों की तरह ग्रो कर रहे हैं ना, आपका ट्रेनिंग प्रोसेस रिफाइन हो रहा है, आपका R&D डिपार्टमेंट रिफाइन हो रहा है, आपका बिजनेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट रिफाइन हो रहा है, आपके इवेंचुअली वैसे ही जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं ना, या दे इवेंचुअली आपकी एजेंसी में अपॉर्चुनिटीज बन जाती हैं कि आप उनको और से इंगेज करा दें. फॉर एग्जाम्पल हमारा जो R&D मैनेजर, ही इज गोइंग टू बी क्या कहते हैं लीडिंग और ट्रेनिंग टू, जब अब हम अगला बैच हायर करें, ठीक है, ही विल बी चेकिंग देयर असाइनमेंट्स और जो सारी वो फाइल्स हमें करके भेजेंगे. फिर क्या है बिजनेस डेवलपमेंट जो हमने आगे करना है, तो पीछे किस तरह के ऑडिट्स आर वर्किंग द बेस्ट, किस तरह की हम 4 लाइनें लिखे या हम थोड़ा सा उसको लॉन्ग फॉर्म कर दें, क्या करें, वो उसने पीछे ऑडिट के बैकएंड में बैठ के उसने फिगर आउट करना है. तो आपको इवेंचुअली ये चीज़ें मिलती रहती हैं. कल को आप उसको अपने मार्केटिंग से कहीं लिंक कर दो, फलां कर दो, कहते हैं यार मुझे बिजनेस डेवलपमेंट के साथ बैठना है, ठीक है, आप आ जाओ, आप लिंक हो जाओ इस चीज़. तो ये आपको चीज़ें मिलती रहती हैं.
अगर आप एजेंसी को सही से ग्रो करें तो मेक श्योर कि योर एम्प्लॉयज आर एंगेज्ड, यू कीप हैविंग कन्वर्सेशन, अपने इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयज को एटलीस्ट जो है नोट डाउन कर लें, एंड कीप हैविंग लाइक अ वन ऑन वन कन्वर्सेशन विद देम एवरी नाउ एंड देन. ठीक है, तो ग्रेट. आई थिंक एक फाइनल क्वेश्चन है और इस पे इसके बाद जो है थोड़े क्वेश्चन ले लेंगे और पॉडकास्ट को एंड करेंगे. When we are in the services game right now, let's say for the last 2 years, and we are investing in the growth in the team and all those areas, there is one more part that I keep on looking is to invest something beside the agency as well. And I would like to know how you guys are looking at it and what areas you are focusing right now. Not talk about crypto. सब बता दें. सब बता दें आज. मैं start करता हूँ. अच्छा चलें फिर सब बता देते हैं. अच्छा generally ये होता है कि आप जब कोई भी services provide करें, the growth strategy that I have always planned is I don't like putting all my eggs in one basket. I like my eggs divided in different baskets. Usme ab cheez ye ki, but you have to be smart about that. Number one, jab aap ek agency run kar rahe hain, especially for me, jisna main ab solo founder hu, ya aap do bhi agar founders hain milke ya teen bhi hain, aapka time already invested hota hai operations ke andar. Aap already itni cheeze kar rahe hain, so you have to make sure what's the next thing that aligns with it. Theek hai, and that you can use to provide value. Main ab aapko ek example deta hu. For example, hum services provide kar rahe hain, how do we diversify that? Theek hai, ab maine baith ke iske upar socha. Theek hai, I realized yaar we have such high level of Amazon advertising knowledge jo aapko course mein milta hi nahi hai. Wahi baat, ab hum us blue ocean mein aa chuke hain with Amazon advertising, jab baaki freelancers nahi exist karte, wo ek gap aa gaya ki baaki freelancers idhar hain. We created that massive gap in between them and us. How can we provide value to them? Simply through knowledge, तो ये नहीं है कि मैं, क्योंकि competitors इतनी बड़ी market है, I've always believed in abundance. So I was like, okay, maybe perhaps if I create audience भी है, तो maybe if I group create a group, तो हमारा एक edtech business unit बन जाएगा, जहाँ पे I'm providing a lot of value, and obviously I'm not going to do it for free. My time is not for free. I provide value. ठीक है, there's an edtech portion, but ठीक है, उसमें से कुछ ना कुछ हमारी एक income stream आ जाएगी. ठीक है, that justifies the time I'm putting in it, and that also hedges our risk. ठीक है, हमारा जो revenue है, that is diversified. ठीक है. नंबर वन ये हो गया. फॉर एग्जाम्पल दूसरा मुझे गैप नजर आया कि यार आर एन डी के अंदर बहुत ज्यादा गैप है, एंड व्हेन आई स्टार्टेड बिल्डिंग द आर एन डी डिपार्टमेंट, मुझे रियलाइज हुआ कि ये बनाना तो उससे भी मुश्किल है. ठीक है, आर एन डी डिपार्टमेंट बिल्ड करना उससे भी मुश्किल है. तो आई रियलाइज कि यार इसके अंदर तो इट्स एज सिंपल एज दैट कि अगर मैं बिल्ड कर रहा हूँ, एंड पाकिस्तान में आई नो कि किसी और का नहीं है, और ये बिल्ड करना भी मुश्किल है टू द लेवल वेयर बिल्डिंग इट टू, तो दैट ऑल्सो एड्स अनदर रेवेन्यू स्ट्रीम, एंड दैट अलाइंस विद व्हाट वी आर डूइंग. व्हाई द आर एन डी compliments what we're doing with the group. ठीक है, वही knowledge आना है उधर. मैं एजेंसी के लिए अंदर ट्रेनिंग प्रोग्राम बिल्ड कर रहा हूँ, दैट सेम गोज टू द ग्रुप. ग्रुप के अंदर वही वाला हमारा कॉन्टेंट, थोड़ा बहुत चेंज होकर हमारा ग्रुप के अंदर जा सकते हैं, वही कॉन्टेंट आउटलाइंस. ठीक है, थर्ड एंड पे हम आर एन डी डिपार्टमेंट बिल्ड करते हैं, दैट एक्चुअली फ्यूल्स द कॉन्टेंट फॉर द नेक्स्ट, क्या कहते हैं, ट्रेनिंग बैच विद इन द एजेंसी हायर करने के लिए, दैट फ्यूल्स एवरीथिंग एल्स. सो I realize that we can go around things that way, or obviously agar hum R&D aur phir ab ek aur income stream kya nikalati hai, ab ye sab hamare current operations ko strengthen kar rahe, solidify kar rahe, or allows us to have another income stream, and then we can use the same R&D department to perhaps build an R&D journal that we can then sell to small medium sized foreign agencies. Great. Jo itni badi nahi hai ki unke paas wo R&D department wo bana sake, and we give them insights to such minute, kya kehte hain, levels ke wo एक्सेस ही नहीं है कि फॉर एग्जांपल आपने वेरिएशन रैंक करनी है, अब जो वेरिएशन शो हो रही है सेकंड पेज पे उसको एडवर्टाइज करें, या जो बेस्ट सेलिंग वेरिएशन है उसको एडवर्टाइज करें, तो छोटी छोटी चीजें. अब तीन वेरिएशन है वो बहुत सिमिलर है. ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी हम होम इंप्रूवमेंट कैटेगरी में, उसमें चीज प्रमोशन का लोगों को बहुत डेप्थ तक आइडिया नहीं है, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले और काफी सारी चीजें. तो आर एन डी जर्नल बनाओ, फॉर एग्जाम्पल लेट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, $300 पर क्वार्टर पे यू सेल इट टू 20 एजेंसीज पर क्वार्टर. ठीक है, दैट इज वॉट लाइक आई थिंक $6,000 पर, क्या कहते हैं, आपका वो आ रहा है क्वार्टर. ठीक है, $2,000 आपका महीने का 100% मार्जिन पे ऐड हो गया, एंड दिस कीप्स ग्रोइंग. ठीक है, तो इस तरह की चीजें, देन यू कैन ऑब्वियसली गो अबाउट इन्वेस्टिंग इन इक्विटी. आपकी कोई शुरू में आपने कैश इधर बना लिया, कल को क्लाइंट आता है, आपको नजर आता है कि यार अच्छा दिस क्लाइंट को हमने इस तरह का केस पहले भी 5-6x ग्रो किया, आप उसकी 2% इक्विटी ले लें, 2-2%. तो यू डोंट नीड टू बाय 100% ऑफ अ बिजनेस, 2-2% इक्विटी. आप उसको बोले यार ऐसा करो, मैं आपको इतने पैसे उल्टा दे देता हूँ, और आप जो है उस चीज को करके आप स्टार्ट कर लो, और मुझे आप 2% इक्विटी दे दो, आप मुझे 3 महीने फीस भी ना देना. ठीक है, और मैं आपको इतने पैसे अपनी जेब से दे रहा हूँ. तो क्लाइंट रिटेंशन भी थ्रू द रूफ, और आपको पता है कि यार ये बिजनेस चलना है, और नहीं तो प्रोजेक्ट के दूसरे तीसरे महीने जब आपको हिंट नजर आ जाए कि आप वो डायरेक्शन चलने वाली है,
तो क्लाइंट को आप कह दो कि यार ऐसे करो अगली इन्वेंट्री मेरे पैसे से मंगा लो, गिव मी 1% ऑफ द बिजनेस. तो Great. ये वाली कुछ चीजें हम हाफ अप्लाई कर चुके हैं, कुछ ऑलरेडी अंडर प्रोसेस है, बट यू हैव टू गो अल्टीमेटली टुवर्ड्स एसेट मैनेजमेंट. आपको कहीं ना कहीं एसेट्स होने चाहिए आपकी एजेंसी की जिसको आप करने, सिर्फ आप हर महीने तनख्वाह लेने क्लाइंट से, दैट इज नॉट गोइंग टू मेक यू लास्ट लॉन्ग टर्म. ग्रेट, आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन जो है ये बॉम्ब हो जाएगा एजेंसी ओनर्स के लिए. और अब ये ना हो कि सब इक्विटी मांगना स्टार्ट कर दें, तो इस पर भी थोड़ा कैप लगाना पड़ेगा. हीलियम टाइम में आ जाए कि ये तो इक्विटी मांगने लग गए. आई थिंक मेरे ख्याल में ये लोग एक्सपीरियंस से सीख जाएंगे, जब एक तो दफा गलत इक्विटी डलेगी ना तो चलो ऑपरेशन ही चले. एक तो पोस्ट आ चुकी हुई है ना इस पे, एक तो पोस्ट आ चुकी हुई है ऑलरेडी कि वीए मेरा 30% इक्विटी मांग रहा है. नहीं, इक्विटी में ये उज़ैफा जिस इक्विटी की बात कर रहे हैं, आपको पे करना पड़ेगा. हाँ, समझ गया, इक्विटी खरीद रहे हो आप, मांग नहीं रहे, आप इक्विटी खरीद रहे हो. ये तो आप बता रहे हो ना, ये तो आपको पता है, मेरे को पता, लेकिन जाके मांग रहे हो. ऑब्वियसली यू हैव टू गेट टू अ लेवल कि आपने उतने कैश रिजर्व्स बनाए हुए, या आपने एक ऐसा पुराना क्लाइंट नेटवर्क, आपके क्लाइंट्स हैं, फॉर एग्जांपल मेरा क्लाइंट है उस साल का $3 million रेवेन्यू करता है, ठीक है, मेरा उससे बड़ा अच्छा ट्रस्ट बिल्ड है, उसको पता है भाई इसने मुझे 40% ग्रो किया, तो मैं उसी उस क्लाइंट को भी कहता हूँ यार आप ऐसा करो, लेट्स इन्वेस्ट टुगेदर, ठीक है, और आप अगर $3,000 भी डाल सकते हो तो उस क्लाइंट से आप 25 डलवा सकते हो, उसका ट्रस्ट है आपके ऊपर. द पॉइंट इज आपको अपने $3,000 के अगेंस्ट क्या ग्रोथ मिल रही है, 2x बिजनेस आपका, वो 3,000 इज नाउ 6,000, और यू ओन $6,000 वर्थ ऑफ इक्विटी फॉर द 3,000 इन्वेस्टेड, एंड यू कीप डूइंग दैट फॉर अ लॉन्ग इनफ टाइम, तो आप अपने प्रॉफिट भी इन्वेस्ट करते हैं. देयर इज अ लॉट ऑफ वेज, जरूरी नहीं है कि आपने लाख दो लाख डॉलर ही इन्वेस्ट करना. किसी पे भी आप किसी टाइम तक सारी जिंदगी यकीन नहीं कर सकते, ठीक है. सो लेट्स से हाउ आर यू मैनेजिंग ऑल द डॉक्यूमेंटेशन एंड स्टफ. अब 3,000 की इक्विटी के लिए यूएसए तो जाओगे नहीं, उसको उस पर लॉ सूट फाइल करने. As I said, ये वाली चीज़ें which is still under process. तो उसमें obviously I think one thing that definitely helps is having very strong client relationships. And अगर आपको कोई बाहर relative that obviously helps a bit more. लेकिन अगर आपके कुछ client relationship बहुत strong है ना, आपकी एक चल पड़ी है, ठीक है, obviously you start with low risk, 2-3,000. अगर आपका client इसमें डाल रहे और उसको पता है कि उसके business की ads आप साल से चला रहे हैं, ठीक है, या आपको उसकी business की हर एक चीज़ पता है, तो और आप खुद भी पैसे डाल रहे और वो भी 25 डाल रहे हैं, एंड यूर बाइंग इक्विटी with on another client business, ठीक है, जो भी नया client आया, पुराने client के साथ मिलके नए client की equity खरीद रहे हो, तो क्या कहते हैं, I think that is pretty much self-explanatory. कहीं ना कहीं fraud आपके साथ हो जाते हैं, वो तो फिर एक obviously in the online industry एक risk हमेशा रहता ही है, but you can pretty much bring that down. अगले की भी तो ads आप ही चला रहे, वो किधर जाएगा एकदम, ठीक है, तो उसने तो revoke ही करना access. अगेन इसमें भी यही है कि यहाँ पे थोड़ा कैप लगा देते हैं कि ये अर्ली स्टेज अडॉप्टर्स के लिए बिल्कुल नहीं है. हाँ जी, और ये आपको मैच्योर एक डेढ़ दो साल एजेंसी रन करके कैश रिजर्व आपने एजेंसी का 6-12 महीने का खर्चा साइड पे रख लिया, अब आपके पास जो प्रॉफिट अपनी सैलरी जो आपने रखी हुई है वो निकाल के जितना आ रहा है, यू कैन नाउ थिंक कि मैं इसको अच्छा हर 2 महीने बाद मेरे पास $10,000 जमा हो जाता है, ठीक है, आपके लेट से रनिंग कैश फ्लो में आपका प्रॉफिट आ रहा है $5,000 हर महीने, हर 2 महीने आप $10,000 आपके पास आ रहे हैं, यू नो कि आई कैन नाउ भी, तो आई थिंक वो रिस्क भी आपके रिड्यूस हो जाते हैं, इंस्टेड ऑफ कहते हैं ना इन्वेस्टिंग इन अ टोटली न्यू पीएल, यू आर इन्वेस्टिंग इन ऑलरेडी रनिंग बिजनेसेस. इसमें बेसिकली लास्ट बात करूंगा, इसमें मुझे आया था एक इस तरह की सिमिलर ऑफर आई थी, ही वांटेड उसमें उसने डिजाइन सर्विसेज लेनी थी, वो कहता था इसका ये पूरे साल का 1.5 साल का जर्नी है, आई विल पे यू आफ्टर एवरी 3 quarters, ठीक है, उसमें ईच क्वार्टर की जो कॉस्ट उसको पड़ी थी समवेयर अराउंड $3,000-$5,000, ठीक है, तो उसको मैंने एग्जैक्टली सेम ये बात की, मैंने कहा अब नाउ आई एम नॉट गोइंग टू लाइक फाइल अ लॉसूट ऑन यू जस्ट फॉर $3,000-$4,000, और उसके पीछे लास्ट बात उसकी फीस होगी, मैंने कैसे ज्यादा मुझे कॉस्ट पड़ जाएगी, सो वी नीड टू रीनेगोशिएट ऑन दिस ऑफर, फिर ऑफर रीनेगोशिएट हो गया, फिर वो 1 month पे आई, फिर मेरे लिए लॉजिकल बनी. आई थिंक इस इन्वेस्टमेंट एडवाइस के साथ हम सेशन क्लोज कर देते हैं. Thank you, Uzaifa, Arkam, and Taisin already left, but thank you all of you guys for joining. No problem. And
Yeah, and let's see if the audience response comes huge. We will try to plan another session as well. Inshallah, inshallah. Definitely, inshallah. Inshallah, Perfect. inshallah. Thanks for Thank you inviting me. and have a great day. No Allah worries. Hafiz. Have a great day. Allah Hafiz. Allah Hafiz.